जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली ये है जिनका SSC GD में सिलेक्शन हो गया उनके लिए। दोस्तों जिनका SSC GD में सिलेक्शन हो गया उनमें से कईयों को अभी भी डाउट है यार मेरा क्या होगा, इस भर्ती का क्या होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी ये जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ या जिनकी कट ऑफ कई इस भर्ती में बहुत सारी मतलब इस प्रकार की मिस्टेक आ रही है कि मतलब इनकी वजह से कहीं भर्ती रद्द ना हो जाए, या कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मतलब जहां पर कट ऑफ दिखा रखी है उससे कम नंबर है फिर भी उनका सिलेक्टेड लिस्ट में नाम है। तो बहुत सारी ऐसी स्टेट है या ऐसी जगह हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर जितने कट ऑफ दिखा रहे हैं जैसे OBC या SC या ST या जनरल की जो कट ऑफ दिखा रहे हैं तो पॉइंटों में अगर उनसे कम नंबर है तो उनका भी सिलेक्शन है। तो उनका सिलेक्शन कैसे हो गया, या अब क्या उनका सिलेक्शन वापस रद्द कर दिया जाएगा, या जो 260 कैंडिडेट जो विथ हेल्ड में जिनकी रोकी गई है मेरिट, कोई असर पड़ेगा या इनकी ज्वाइनिंग पे कोई असर पड़ेगा या इस भर्ती पे अब कोई असर पड़ेगा। दोस्तों कईयों को ऐसा लगने लग गया होगा कि सर बार बार जिस प्रकार से इस SSC GD को लेकर बवाल मच रहा है देश में, जितने भी जो छोटे आपके भाई बहन हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, चाहे वो 0.4 से रहा, 0.10 से रहा, या उसके कट ऑफ से पॉइंटों में नंबर ऊपर होने के बावजूद भी नंबर नहीं आया, तो उन्होंने जैसे दिल्ली के नारा लगा रहे हैं दिल्ली चलो या इकट्ठे हो या कोर्ट में इस भर्ती के खिलाफ मतलब कार्रवाई के लिए केस करो। तो दोस्तों इससे कई लोगों को घबराहट भी बढ़ती जा रही है जिनका पॉइंटों से नंबर सिलेक्शन हुआ है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए एंड तक बने रहिए दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बता दूं जिन कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या कैटेगरी है जिनमें जितनी कट ऑफ दी गई है SSC GD के द्वारा उससे कम नंबर वालों का भी नंबर आ गया। तो उनका कैसे आया, उनका नंबर आया दोस्तों डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पॉइंटों में अगर नंबर कम है तो आपका फ्री फंड में नंबर आ गया, नहीं फ्री फंड में नहीं है, आपका डेट ऑफ बर्थ की वजह से भी डिपेंड करता है SSC GD का रिजल्ट। उसमें पहले बताया गया कि किस मापदंड पर ये रिजल्ट दिया गया है, ठीक है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होने की वजह से मतलब आपकी एज ज़्यादा होने की वजह से आपका सिलेक्शन हुआ है, जिस एज क्राइटेरिया में उनको जो जितने भी मतलब आपके सेम नंबर वाले जो बंदे थे उनमें से आपकी एज ज़्यादा थी, ना कि सभी से एज ज़्यादा थी। जैसे मान लो कि एक पोस्ट के लिए 100 बंदे इक्वल हो गए तो 100 बंदों में आपकी जो एज थी वो ज़्यादा थी इसलिए आपका सिलेक्शन हुआ। तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, एक बार सिलेक्टेड लिस्ट में अगर नाम आ गया उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कोई से भी डिस्ट्रिक्ट से कोई से भी नक्सल एरिया से। अब कुछों का ये भी हुआ है कि सर मैं ऐसे से बिलोंग करता हूँ मेरी ST की लिस्ट में नंबर आया, तो ऐसा भी होता है कई बार ST की जैसे फिलअप नहीं होती है पोस्ट तो ऐसी में से ST को कन्वर्ट कर दी जाती है और उसकी वजह से आपका नाम ST लिस्ट में आया है। तो उनको भी बहुत सारा डर है कि सर अब कहीं मेरा रिजेक्शन ना आ जाए, तो अब किसी का रिजेक्शन नहीं होगा, जो सिलेक्टेड है वो सिलेक्टेड है। अब रही बात कि इस भर्ती पर अगर रोक लगाने से क्या होगा, भर्ती प्रक्रिया पे क्या पूरी पे रोक लग सकती है, या कोर्ट में केस करने से क्या होगा। तो दोस्तों जैसे SSC GD सबसे स्टार्ट हुई थी इस बार इस साल तभी से विवादों में घिरी रही है, फिर भी इसका सभी काम निरंतर होता है, लेकिन जितनी सिलेक्टेड लिस्ट निकाल दिए उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है उनमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप इस प्रकार की किसी भी बवाल पर ध्यान ना दें कि आपकी ज्वाइनिंग कैंसिल हो जाएगी या ज्वाइनिंग लेट होगी या ज्वाइनिंग डिले होगी, इस प्रकार कोई भी काम नहीं होगा। जिनका सिलेक्शन हो गया है उनकी ज्वाइनिंग पक्की होनी होनी है। अब अगर भर्ती कोर्ट में जाती है तो क्या होगा, भर्ती कोर्ट में जाती है तो किस वजह से जाती है, तो उसका आधार क्या है वो मैं अगले एक वीडियो बना रहा हूँ उसमें बताऊँगा कि किस वजह से भर्ती कोर्ट में जा सकती है और इसको हाई कोर्ट से रोक भी लग सकती है। लेकिन सेलेक्टेड लिस्ट वालों को कुछ भी नहीं होगा, जितने सिलेक्टेड लिस्ट में जिनके नाम हैं वो सिलेक्टेड है, उनको कोई बाहर नहीं निकाल सकता और आपका सिलेक्शन पक्का हो गया। तो अब आप इस चीज़ लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए और आपकी ज्वाइनिंग बहुत जल्दी होगी दोस्तों। तो बाकी की जितने भी प्रोपोगेंडा है उस पर ध्यान ना दे दोस्तों। अगर आपका 0.1 से भी सिलेक्शन हुआ, यू आर सिलेक्टेड और सिलेक्टेड लिस्ट में आपका नाम है, भले कट ऑफ उधर कितने भी दिखा रहे हैं बट यू आर सिलेक्टेड, तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जय हिंद।